कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहां दुनिया भर के डॉक्टर अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो वहीं योग गुरु रामदेव ने मंगलवार को कोरोना के खिलाफ कारगर दवाई बनाने का दावा किया है। योग गुरु रामदेव का कहना है कि उनकी दवाई कोरोनिल से 7 दिनों के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए हैं। कोरोनिल दवा का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट। लेकिन भारत सरकार के अंदर आने वाला आयुष मंत्रालय योग गुरु के दावे पर अपनी हामी नहीं रखता है। पतंजलि की कोरोना से क्योर का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर के ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय ने पल्ला झाड़ लिया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि ICMR के अधिकारी ही इस बारे में सही जानकारी दे पाएंगे, जबकि ICMR के अधिकारियों के मुताबिक आयुर्वेदिक दवा से संबंधित सभी जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय का है। इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि योग गुरु के दावे से ICMR अपना पल्ला झाड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर योग गुरु कोरोना के खिलाफ कारगर दवाई बनाने का दावा कर रहे हैं, तो फिर आयुष मंत्रालय और ICMR इस पर अपनी बात स्पष्ट क्यों नहीं रख रहा है। मालूम हो कि मंगलवार को योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग की। इस दौरान योग गुरु ने दावा करते हुए कहा कि हमने 2 ट्रायल किया था, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। रामदेव ने कहा कि दिल्ली समेत अन्य शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी किया है। इसके तहत हमने 280 रोगियों को शामिल किया। क्लिनिकल स्टडी में 100% मरीजों की रिकवरी रेट आई है और एक की भी मौत नहीं हुई है। कोरोना के सभी चरणों को हम रोक पाए हैं, तो वहीं दूसरे चरण में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया है। योग गुरु ने अपने दावे में कहा कि 100 लोगों पर क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई है। 3 दिनों के अंदर में 69% रोगी पॉजिटिव से निगेटिव हो गए हैं। ये कोरोना काल इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 7 दिनों के अंदर 100% रोगी रिकवर हो पाए हैं। हमारी दवा का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट। रामदेव के मुताबिक उन्होंने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल को लेकर के बहुत सारे अप्रूवल लिए हैं, मसलन एथिकल अप्रूवल, CTIR का अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन करवाना भी शामिल है। रामदेव ने कहा कि भले ही लोग अभी इस दावे पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन हमारे पास सभी सवालों का जवाब है। हमने सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया है। इन सारी बातों को देखने के बाद एक बार फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि अगर योग गुरु ने सभी अप्रूवल लिए हैं और सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया है, तो फिर ICMR और आयुष मंत्रालय दोनों कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ विश्व की पहली दवाई बनाने के बाद खुश होने की बजाय पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।